नमस्कार, मैं बुलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरी अग्नि 40 प्लस के तहत यूनिक अप्रोच टू लर्न इकोनॉमिक्स एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी। हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से पूरी थ्योरी करने की कोशिश कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जिससे कि हर तरह का क्वेश्चन वो अटैम्प्ट किया जा सके एग्जाम में। और जो इसका बेस बनाया गया है एमसीक्यू का, वो 2016 एसएससी सीजीएल का टायर 1 का एग्जाम हुआ था। 40 सेट्स में से सारे क्वेश्चन जितने भी अब उन सारे क्वेश्चन को निकाल कर उनके ऊपर थ्योरी डेवलप की हुई है। तो ऑलरेडी हम लोग 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी हो चुकी है। 25 क्वेश्चन है वो है, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसिस द कैश रिजर्व रेशियो इट विल, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है वो कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर है कम करता है तो क्या होगा, इंक्रीज क्रेडिट क्रिएशन, डिक्रीज क्रेडिट क्रिएशन, हैव नो इंपैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन और हैव नो डेफिनेट इंपैक्ट ऑन क्रेडिट क्रिएशन। इसी तरह से कोई और क्वेश्चन आता है बैंकिंग से रिलेटेड, आरबीआई से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी पे, तो हम लोग पूरा पहले वो सारी चीज़ें कर लेते हैं जितने भी मॉनेटरी टूल्स हैं आरबीआई के, उन टूल्स के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और मनी से रिलेटेड भी जानकारी लेते हैं। मनी प्लस बैंकिंग अगर दोनों की जानकारी होती है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में जो मेन एजेंडा होगा वो होगा मनी एंड बैंकिंग, ये टॉपिक है। उसके तहत जितनी भी चीज़ें टर्मिनोलॉजी है, थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं और वो जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े डिटेल में होते हैं उनको आराम से किया जा सके। मनी क्या होता है? मनी होता है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। पुराने जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था, करेंसी का रोल नहीं होता था ज्यादा, बाद में करेंसी आना स्टार्ट हुई गांव में, आज भी यहां तक कि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उस टाइम में गांव में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जिनके पास अनाज गेहूं और चावल इस तरह की चीज़ें होती हैं उससे उसको दुकानदार को देते हैं और उसके बदले में वो कुछ सामान ले लेते हैं। एक सामान के बदले में दूसरे सामान लेना बार्टर सिस्टम कहलाता है, और बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है, बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है मनी। तो मनी का अपना फायदा होता है और बार्टर एक्सचेंज का अपना फायदा होता है। बार्टर सिस्टम एक पुराना आइडिया है लेकिन गाँव में आज भी चलता है, डिमोनेटाइजेशन में बहुत सारा इसका फायदा भी हुआ है। जब ये एग्जाम होगा अग्नि 40 पे 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उस पे डीमोनेटाइजेशन मनी एंड बैंकिंग का क्या रिलेशन है उससे रिलेटेड मैं 3 या 4 क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसलिए आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक्चुअल में इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। फैक्चुअल 2-4 चीज़ें आने से इकोनॉमिक्स नहीं आ जाती। फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज इज कंसिडर्ड टू बी प्रिंसिपल रोल ऑफ मनी। कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ जो मनी का मुख्य रोल क्या होता है, तो मनी का जो मुख्य रोल होगा वो एक्सचेंजेस, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सुचारू रूप से ज़्यादा प्रॉपर ढंग से किए जा सके, उनका मेन होता है फैसिलिटेशन फंक्शन होता है, सुविधा होती है प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर गेहूं हो, चावल हो या और कोई सामान देना पड़े कोई चीज़ खरीदने के लिए, आप ऑटो में जा रहे हैं, 20 रुपये किराया, 10 रुपये किराया, अब ये थोड़ी है कि गेहूँ लेकर चलेंगे, चावल लेकर चलेंगे या और आइटम लेकर चलेंगे, उसमें तो आपको अगर आपके पास पैसा है आप दे सकते हैं। तो मनी ऑल्सो एक्ट एज ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, एक ये फीचर है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फीचर्स ऑफ मनी, तो क्या है कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी को ऐसे ट्रीट किया जा सकता है जैसे मैंने एग्जाम्पल खुले पैसे के रूप में दिया, लेकिन आप अनाज तो ऐसे हर जगह पर लेकर नहीं घूम सकते। वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, हम ये बोल सकते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, और बहुत आसानी के साथ बोल सकते हैं। दुकानदार पूछते हैं कितने की चाहिए, दुकानदार को हम पूछते हैं कितने की चाहिए, 7 रुपये की चाहिए, 8 रुपये की चाहिए या 10 रुपये की चाहिए, तो बिल्कुल वो मॉनिटर क्वांटिफाई कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो बार्टर सिस्टम है वो सुविधा नहीं है। तो मनी का एक ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ, मनी इज नॉट पेरिशेबल एंड इट्स स्टोरेज कॉस्ट आर ऑल्सो कंसिडरेबली लो। एक फीचर ये भी है मनी का कि अगर आपको 1 लाख रुपए इकट्ठे स्टोर करने हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए का अनाज करना हो, बर्तन करने हो या कोई और आइटम स्टोर करना है तो उसकी अपने आप में कॉस्ट हो जाती है। मनी इज द मोस्ट लिक्विड
ऑल एसेट्स इन द सेंस दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड हेंस कैन बी एक्सचेंज फॉर अदर कमोडिटीज वेरी इजिली। आप इस पावर पॉइंट की पीपीटी की पीडीएफ बनाकर हम आपको दे रहे हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं इनको पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए, क्योंकि समझने में समझ जब आप खुद पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगी। एक क्वेश्चन कई बार एसएससी में भी आया, दूसरे एग्जाम में आया है ये कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा होता है, तो मनी होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है। आप आपके पास है, अब आपके पास सोना है, अब आप ऑटो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, अब ये तो नहीं है दुकान उसको कंडक्टर को बोलेंगे कि ये मेरे पास सोना है तो आप इसको ले लीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। सोना हुआ, प्रॉपर्टी हुआ, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं मानी जाती है। तो लिक्विड क्या है, जो मनी है आपके पास में वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है। और हमने देखा भी अभी डीमोनेटाइजेशन में जिनके पास खुले पैसे मांग रहे थे दुकानदार, बहुत आसानी से चीज़ें परचेज हो रही थी। डिमांड फॉर मनी बैलेंस इज दस ऑफन रेफर टू एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और मैं एक एग्जाम में पूछने वाला हूं आपसे कि जब ये लिक्विडिटी की बात आई कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और गोल्ड, प्रॉपर्टी और करेंसी, इन सब में लिक्विड कौन सा है, प्रेफरेंस में सजाइए, कम और ज्यादा में सजाइए। तो डिमांड फॉर मनी बैलेंस इज दस ऑफन रेफर टू एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि तरलता अभिमान का मतलब या इसका इंप्लीकेशन क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है उसका मतलब क्या है। तो पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, हमने डीमोनेटाइजेशन में बहुत देखा कि पीपल डिजायर टू होल्ड मनी बैलेंस प्रोडली फ्रॉम टू मोटिव। कई बार एक एग्जाम में आया कि जो मनी है उसका मोटिव क्या है रखने का, एक तो होता है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस की इसी को ही रखते हैं जेब में। अगर आपको हो सकता है यहाँ से हिसार से दिल्ली जाना हो, 500 रुपये काम चल रहा हो, लेकिन फिर भी आप 2-3 हज़ार रुपये जेब में रख सकते हैं, आप लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन मोटिव है वो काफ़ी नहीं है, और भी मोटिव होते हैं। तो प्रिंसिपल मोटिव ऑफ होल्डिंग मनी इज टू कैरी ट्रांजेक्शन, और दूसरे कौन से होते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव। मनी कंसिस्ट मेनली ऑफ करेंसी, और स्पेकुलेटिव मोटिव का मतलब क्या हुआ कि बाय चांस और कहीं पैसे की जरूरत पड़े, बाय चांस मेरा इससे काम नहीं चले। बाय चांस का जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा एक आइडिया दे देता है कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो मनी का वो भी मोटिव है, और पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करना वो भी मोटिव है। मनी में क्या क्या आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड मनी। मनी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है जिसमें करेंसी भी एक उसका पार्ट है। तो करेंसी जैसे नोट्स है वो भी मनी है, क्वाइंस है वो भी मनी है। करेंसी इंडिया में मेनली करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। एक चीज ध्यान में रखें, जो नोट्स होते हैं ना वो आरबीआई इशू करता है, और कॉइन्स होते हैं वो करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एग्जाम में आता है कि कॉइन और एक रुपए के जो कॉइन्स होता है, सिक्के होते हैं, एक रुपए का कॉइन्स होता है वो तो आरबीआई, लेकिन एक रुपए का जो एक रुपया क्वाइन होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन बाकी जो भी क्वाइन हो 5-10 रुपए वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक रुपए का नोट अगर आप निकाल कर देखो उस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते, वो फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया भी है ये क्वेश्चन। तो और 100 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के। सिर्फ एक रुपए का ऐसा नोट है जो कि जिसके ऊपर सिग्नेचर नहीं होते। हालांकि जो क्वाइंस हो या नोट्स हो उनके जो सर्कुलेशन का काम है वो आरबीआई जरूर करता है, ये ध्यान में रखना है। सर्कुलेशन एक अलग चीज है और इश्यू करना एक अलग चीज है। तो मैंने दोनों को थोड़ी क्लेरिफाई करने की कोशिश की है। इन इंडिया करेंसी नोट्स आर इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द मॉनिटरी अथॉरिटी इन इंडिया, और क्वाइंस आर इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सर्कुलेशन जो आगे मैनेजमेंट का काम होता है कि कितनी लिक्विडिटी होगी, हम अभी देखेंगे आगे इस चैप्टर में आएगा नैरो मनी क्या होती है, ब्रॉड मनी क्या होती है, तो वहां पे और ज्यादा आइडिया हो जाएगा आपको। अपार्ट फ्रॉम करेंसी, नोट्स एंड क्वाइंस द बैलेंस इन सेविंग। अच्छा, करेंसी हुआ, नोट्स हुआ, इसके अलावा भी तो पैसा हो सकता है ना। कहाँ हो सकता है पैसा, सेविंग अकाउंट में हो सकता है, करेंट अकाउंट डिपोजिट में हो सकता है, जनता द्वारा जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वहां पर पैसा रखा जाता है, इज ऑल्सो कंसिडर्ड मनी, उनको भी मनी बोलते हैं लोग। क्यों, चेक्स ड्रॉन ऑन दीज अकाउंट्स आर यूज टू सेटल ट्रांजेक्शन सच डिपोजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपोजिट्स एज दे आर पेबल बाय द बैंक ऑन डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर।
अब जब आप मनी की बात करें तो देखो क्वाइंस भी हुआ, चेक्स भी हुए, और जो करेंसी है वो तो हुई। और हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप पैसे जमा करा कराकर आप बाकी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चेक से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो ट्रांजेक्शन में कहीं कहीं इसका इस्तेमाल हो रहा है। जब आप इस तरह से करते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, कि डिपॉजिट्स सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट बिकॉज दे आर पेएबल बाय बैंक ऑन डिमांड। जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, सेविंग अकाउंट में आपके पास पैसा है, करंट अकाउंट में पैसा है, आप निकाल सकते हैं जब जरूरत पड़े, तो वो डिमांड डिपॉजिट्स हुए, अकॉर्डिंग टू डिमांड आप निकाल सकते हैं। क्या डिमांड डिपॉजिट्स के अलावा भी कोई दूसरी डिपॉजिट हो सकती है कि आपको डिमांड हो और आपको पैसे नहीं निकालने दिया जाए, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टाइम डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स को ही, क्योंकि एक फिक्स पीरियड होता है, 5 साल की एफडी, 4 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, वो एफडी को फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट बोला जाता है, पर्टिकुलर टर्म है उसके साथ में। तो दो टाइप के डिपॉजिट्स हो गए, एक डिमांड डिपॉजिट हुआ, एक है टाइम डिपॉजिट्स हुआ। आपको ये दोनों याद रखना है, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द गारंटी प्रोवाइड बाय द इश्यूइंग अथॉरिटी ऑफ दिस आइटम। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, ये चीजें लिखी होती है आरबीआई द्वारा बैंक नोट्स पे। और वो क्या है कि जो कॉइन्स और 100 रुपये है या 2 नोट्स होते हैं, करेंसी होती है, उसकी वैल्यू गारंटेड होती है। आपके पास 100 रुपये का नोट है, 5 साल के बाद भी आप दुकान पर जाओगे तो 100 रुपये की वैल्यू है, वो 100 रुपये ही मिलेगी आपको, गारंटी होती है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकती, उस करेंसी के बदले में 100 रुपये ही ट्रीट होंगे। एवरी करेंसी नोट्स बियर ऑन इट्स फेस ए प्रोमिस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ आरबीआई दैट इफ समवन प्रोड्यूसेस द नोट टू आरबीआई और एनी अदर कमर्शियल बैंक, आरबीआई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द पर्सन परचेजिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट, द सेम इज ऑल्सो ट्रू ऑफ कॉइन्स। आपको यह नहीं बोल सकता बैंक को कि 500 वाला नोट में 400 मिलूंगा, 300 मिलूंगा, यह आरबीआई द्वारा प्रोमिस किया जाता है कि आपको पूरी गारंटी मिलेगी नोट्स की, और कोई भी मना नहीं कर सकता। इसका मतलब परचेजिंग पावर है आपकी, वो उस नोट पे लिखा हुआ है, वो निर्धारित करता है आरबीआई द्वारा। करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस आर देयरफॉर कॉल्ड फिएट मनी, दे डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू लाइक गोल्ड और सिल्वर कॉइन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर्स एज दे कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय द एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, और कंट्रोवर्शियल भी आगे हो गई है अब ये। पहले बात तो करेंसी और कॉइन्स को क्या बोलते हैं, कागजी मुद्रा, हिंदी एक किस्म से वो हिंदी में कागजी मुद्रा, और जो इंग्लिश है फिएट मनी बोला जाता है उसको। और क्योंकि उसकी कोई ऐसा जो आंतरिक मूल्य है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो नहीं होती, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता करेंसी के केस में। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा एग्जाम में कि निम्नलिखित में से बताओ फिएट मनी कौन सी है, तो क्या है करेंसी या कॉइन्स अगर ऑप्शन हो तो वो फिएट मनी है, और ये लीगल टेंडर भी कहलाते हैं, बिकॉज इन दोनों को कोई मना नहीं कर सकता कि मैं नहीं लूंगा कोई भी सिटीजन, और दे हैंस डिमांड, और क्या डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो लीगल टेंडर है, चेक को मना किया जा सकता है। इसका मतलब ये फिएट मनी वाले हैं वो लीगल टेंडर है, चेक लीगल टेंडर नहीं है। डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट लीगल टेंडर्स, तो ऑप्शन बहुत ट्रिकी हो सकता है कि आपके सामने चेक भी आ जाएगा तो चेक तो मना कर सकता है टेक्निकली, ठीक है। मैंने यहां पे एक बताया कि कंट्रोवर्सी क्या है, कंट्रोवर्सी यह है कि जब अभी पीछे डिमोनेटाइजेशन पे नोट बंद हुए तो आरबीआई एक तरफ बोल रहा है कि मैं धारक को पूरा वचन देता हूं कि आपकी वैल्यू सुनिश्चित है, तो फिर जब सरकार ने ये घोषणा कर दी तो फिर क्या वो सुनिश्चित नहीं रही जिनके पास वो नोट थे। ये केस है सुप्रीम कोर्ट में भी गया था कि जब ये यहां पे लिखा हुआ है जो ये बात है, तो सुप्रीम होता क्या है जब इस तरह केस में, क्योंकि इसके लिए मनी से रिलेटेड मामलों पे लोकसभा में पास होते हैं ज्यादातर कानून, और वो सरकार के पास ऐसी पावर है, इसलिए जो सरकार डिसीजन लेती है अल्टीमेटली वो डिसीजन है वो ज्यादा भारी पड़ जाते हैं आरबीआई के ऊपर। हालांकि आरबीआई ऑटोनोमस है, लेकिन इस डिमोनेटाइजेशन पे क्वेश्चन उठा आरबीआई की ऑटोनोमी पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उठाया, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया, हालांकि इस पे कुछ ज्यादा रिजल्ट आया नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आरबीआई है वो
ये जरूर है कि मॉनिटरी पॉलिसी तो वही डिसाइड करता है। गवर्नमेंट कई बार इस तरह के स्टेप उठा लेती है जब जरूरत होती है देश का और हित को ध्यान में रखते हुए। मनी सप्लाई, अब एक क्वेश्चन तो मैं ये पूछने वाला भी हूं उस टेस्ट में कि डीमोनेटाइजेशन, बताओ ये मॉनिटरी पॉलिसी में आया, फिस्कल पॉलिसी में आया, कौन सी पॉलिसी में आया? तो आपको ये बड़ा सोचकर ऑप्शन इस तरह से होंगे ट्रिकी, तो पहले अपना कैलकुलेशन बिठा लें और इस दौरान में जब ये पूरा चैप्टर होगा उसमें कहीं ना कहीं ये बात कवर भी होगी। मनी सप्लाई लाइक मनी डिमांड इज ए स्टॉक वेरिएबल, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई। आरबीआई है कितना स्टॉक कहां पे है, M1 स्टेज पे, M2 स्टेज, M3 स्टेज, M4 स्टेज, इसमें M1 में कौन कौन आएगा, M2 में कौन कौन आएगा, ये हम लोग अभी देखेंगे, लेकिन ब्रॉडर तौर पे नैरो और ब्रॉड मनी के रूप में इनको डिवाइड किया जाता है। ये स्टॉक सिचुएशन बताता है कि कितना पैसा कहां पे पड़ा हुआ है। अब जैसे हम देखें तो जब ये डिमोनेटाइजेशन हुई तो बहुत सारा पैसा, तो ज्यादातर पैसा 100 रुपए को छोड़कर 100 और बाकी जो नोट थे वो तो बहुत ही कम थे, 10-15% नोट थे, बाकी 500 और 1000 नोट तो ज्यादा थे, 85% है वो स्टॉक वापस आरबीआई में चला गया। और इसको बोलते हैं कि इस कौन से स्टॉक, मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई कौन डिसाइड कर रहा है, ये आरबीआई डिसाइड करेगा, आरबीआई पब्लिशेस फिगर, ये फिगर भी पब्लिश कर रहे हैं। और आरबीआई इसको करने के लिए क्या है, फिर आप देखोगे जब ये मॉनिटरी टूल्स होते हैं कैश रिजर्व और रेशियो, हम जो आगे पढ़ेंगे वो इनका इस्तेमाल करता है कि कहां पे कौन सा मामला फिट करना है। दे आर डिफाइंड एज फॉलोज, M1 की किसको बोलते हैं, CU प्लस DD। अब देखोगे आप कि M1 M2, अब देखो CU क्या है, CU है नोट्स प्लस क्वाइंस, करेंसी थी, करेंसी के जो नोट्स हैं 100 रुपए 200 रुपए प्लस क्वाइन, इनको बोलते हैं करेंसी, करेंसी यूनिट को आप बोल ये भी बोल सकते हैं या नोट्स प्लस क्वाइंस भी बोल सकते हैं। एंड DD इज नेट डिमांड हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, द वर्ड नेट इंप्लाइज दैट ओनली डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक आर टू बी इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, इंटर बैंक डिपॉजिट्स विच ए कमर्शियल बैंक होल्ड्स इन अदर कमर्शियल बैंक आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड ए पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। दोबारा चलते हैं इसके ऊपर, दोबारा चलते हैं, मैंने यहां पे डेफिनेशन बताई है कि M1 क्या हुआ, जो करेंसी नोट्स थे और क्वाइंस थे वो हो गया, डिमांड डिपॉजिट्स पब्लिक की डिमांड डिपॉजिट्स बैंकों में, डिमांड ऑन डिमांड पैसे मिल जाए आपको, आपके खाते में पड़े हुए हैं, फिक्स डिपॉजिट नहीं है, वो वाले पैसे जनता के होने चाहिए, उसको DD बोलेंगे। एक बैंक दूसरे बैंक में या RBI के पास वो करता है उनको नहीं बोला जाएगा, जनता वाले पैसे होने चाहिए DD, उसको फिर हम टोटल को बोलेंगे M1। M2 क्या है, मनी सप्लाई से रिलेटेड दूसरी स्टेज है M2, तो M1 प्लस, M1 तो ये हो गई, प्लस में है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। पोस्ट ऑफिस में भी, पोस्ट ऑफिस एक बहुत बड़ा नेटवर्क है इंडिया में और बहुत सारी जनता है पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ी हुई है, वहां पे सेविंग की जाती है, तो वो वाला पैसा भी ऐड कर दिया जाए तो वो M2 है, लेकिन ये ज्यादा लिक्विड स्टेज है दोनों ही, जब जरूरत पड़े पैसे निकाल लिए। M3 क्या हुआ, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, अगर इसमें हम लोग जो कॉमर्शियल बैंक में FD कराई हुई है वो अगर ऐड कर दिया जाए, FD वाले टाइम डिपॉजिट जनता वाले, उसको ऐड कर दिया जाए इसमें बजाय ऑफिस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, तो उसको बोलेंगे M3। इसका मतलब ये कम लिक्विड हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ये तो टर्म डिपॉजिट हो गया ना, टाइम डिपॉजिट्स हुआ। M4 क्या हुआ, M3 ये वाला सारी चीज, मतलब M3 और ये, M1 और ये, तो M3 हुआ, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ में ये भी मिला दिया जाए तो M4 हो गया। तो देखते हैं ये जो करेंसी नोट्स, नोट्स और करेंसी क्वाइंस प्लस जो डिमांड डिपॉजिट थी पब्लिक की बैंकों में जमा, उसको M1 बोल रहे हैं, पोस्ट ऑफिस का इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो M2, लेकिन M1 का पोस्ट ऑफिस के बजाय नेट टाइम डिपॉजिट कर दिया जाए तो M3, और ये भी हो, ये भी हो, और ये भी हो तो M4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से RBI देखता है कि किस स्टेज पर कैसा पैसा है। अगर मान लो इस M1 और M2 पे ज्यादा पैसा है लोगों के पास में, सप्लाई यहां पे ज्यादा, इसका इंडिकेट क्या कर रहा है, क्या जा रहा है कि मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो गया है, और क्या हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि नैरो मनी ज्यादा हो मार्केट में तो क्या होगा, महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी, सर्कुलेशन में ज्यादा पैसा गया,
लेकिन एम थ्री और एम फोर ज्यादा हो तो क्या होगा? तो उस केस में क्या है कि वो फिक्स डिपॉजिट है, इमीडिएट पैसा नहीं है लोगों के पास में ज्यादा। एम वन एंड एम टू आर नोन एज नैरो मनी और एम थ्री एंड एम फोर है उनको ब्रॉड मनी बोलते हैं। दीज ग्रेडेशन आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, तो एम फोर सबसे कम लिक्विड और एम वन सबसे ज्यादा लिक्विड। आपके पास जेब में पैसे हैं सबसे ज्यादा लिक्विड, और आपने बैंक में 5 साल के लिए एफडी करवा दिया है तो वो सबसे कम लिक्विड, इसलिए M4 सबसे कम हो गया। M1 इज द मोस्ट और M4 इज द लीस्ट लिक्विड। M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज। और एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा कि बताओ कि M1, M2, M3, M4 में सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज्ड है मनी को मेजर कैसे करना है, मनी सप्लाई को मेजर कैसे करना है आरबीआई द्वारा, तो वो क्या है? इसका आंसर होगा M3, एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। फिर आता है वेरियस एक्शन ऑफ द मॉनिटरी अथॉरिटी। इंडिया में मॉनिटरी अथॉरिटी है आरबीआई, अलग अलग देशों में जो उनका बैंक होता है सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक भी इसको बोलते हैं आरबीआई को इंडिया में, जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है। और वेरियस एक्ट्स ऑफ मॉनिटरी अथॉरिटी, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ दीज आइटम एम वन एम टू एम थ्री एम फोर। वो सब डिपेंड करता है कि कौन सा कमर्शियल बैंक ने अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया तो क्या हो, जनता लोग ज्यादा जनता है वो ज्यादा पैसा बैंक में जमा कराएगी, लिक्विडिटी कम हो जाएगी मार्केट में। तो कहीं कहीं कमर्शियल बैंक भी ऐसा लिक्विडिटी को डिसाइड करने में रोल अदा करते हैं। प्रेफरेंस ऑफ द पब्लिक फॉर होल्डिंग कैश बैलेंस विच इज डिपॉजिट्स इन द बैंक ऑल्सो अफेक्ट द मनी सप्लाई। इंडिया में ज्यादातर लोग कैश रखना पसंद करते हैं, बैंकों में कम डिपॉजिट करते हैं, बहुत सारे केसेस ब्लैक मनी भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि वो मनी सप्लाई को प्रभावित करता है, वो रेशनलाइज होना जरूरी है। फॉर्मल सिस्टम बैंकिंग सिस्टम ज्यादा यूज करें तो आरबीआई के पास भी बेटर इफेक्टिव पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी, गवर्नमेंट के को भी ज्यादा मदद मिलेगी। दीज इन्फ्लुएंसेस ऑन मनी सप्लाई कैन बी समराइज एज द बाय द फॉलोइंग की रेशियोज। जो इंपैक्ट है मनी सप्लाई का वो कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाती है। पहला है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। क्या है ये? जैसे नाम ही बता रहा है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो इज द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट दे होल्ड इन बैंक, कि लोगों के पास कितना है और बैंक के पास कितना है। जब डिमोनिटाइजेशन हुआ लोगों के पास तो 5% भी नहीं बचा होगा या मैक्सिमम 15% बचा होगा, क्योंकि ज्यादातर तो जो बड़े नोट थे वो 85% के आसपास थे, तो इसका 85% लोगों के पास बचा था और 15% लोगों के पास और 85% बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, या हो सकता है ज्यादा भी हो क्योंकि ये भी है ना 100-100 रुपए की भी तो जमा करवा रखे होंगे लोगों ने, पहले भी एफडी करा रखी होगी। तो जो बैंक में जमा है और लोगों के पास है उस रेशियो को बोलते हैं CDR, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। ये क्या इंडिकेट कर सकता है आरबीआई के लिए कि अगर ये ज्यादा हो इसका मतलब लिक्विडिटी ज्यादा है मार्केट में, करेंसी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सीडीआर इंक्रीज ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन एज पीपल कन्वर्ट डिपॉजिट्स टू कैश बैलेंस फॉर मीटिंग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग सच पीरियड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दिवाली पे बताओ कि कौन सी रेशियो है वो बढ़ जाता है, या त्यौहार पे कौन बढ़ जाता है? सीडीआर बढ़ता है, लोगों के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए, फटाखे खरीदने हैं, फुलझड़ी खरीदनी है, या फिर जो भी है मोमबत्ती खरीदनी है उसके लिए पैसे कैश अमाउंट चाहिए, तो कैश जो लोगों के पास ज्यादा होगा सीडीआर बढ़ जाएगा। फिर बैंक होल्ड्स ए पार्ट ऑफ मनी पीपल कीप इन देयर बैंक डिपॉजिट एज रिजर्व मनी एंड लोन आउट द रेस्ट टू वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। रिजर्व मनी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। अब लोगों का पैसा बैंक में जाता है और बैंक क्या करता है, कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखता है, रिजर्व मनी होता है कुछ, उसमें से कुछ पैसा रिजर्व होता है और बाकी है वो लोन के रूप में एज ए इन्वेस्टमेंट कर देता है कहीं भी, लोन आउट द रेस्ट टू वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर उसके पास बैंक के पास पैसा पड़ा रहा तो कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि रिटर्न तो नहीं आए जनता को, तो वापस पैसा भी तो देना है रिटर्न के साथ में। तो जो रिजर्व मन पैसा होता है
इनफैक्ट अगर वो ज्यादा रिजर्व हो तो इससे बैंक तो स्टेबल हो सकता है क्योंकि उसने लोन ही कम दिया मार्केट में, तो वो बैंक है वो स्टेबल है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि उसके पास रिटर्न आने की संभावना कम हो जाएगी। तो रिजर्व बैंक किस रिजर्व पैसा वो किस रूप में रखा जाता है? दो रूप में रखा जाता है मेनली, एक होता है वर्ल्ड कैश इन बैंक्स और दूसरा होता है डिपॉजिट्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई। बैंकों के वर्ल्ड कैश जो डे टू डे का बैंक का खर्चा होता है, पेटी कैश की तरह ये, और कंपनीज में पेटी कैश होता है, तो वर्ल्ड कैश के रूप में एक किस्म से इस्तेमाल कर रहे हैं। और वर्ल्ड कैश के बाद जो बच जाता है कौन सा पैसा? रिजर्व बैंक वाला, रिजर्व मनी वाला। वो क्या करते हैं, ये डिपॉजिट्स ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक विद आरबीआई, ये कॉमर्शियल बैंक सारे जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं आरबीआई के पास जमा करते हैं। बैंक यूज दिस रिजर्व टू मीट द डिमांड फॉर कैश बाय अकाउंट होल्डर। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक कीप एज रिजर्व, आरडीआई बोलेंगे इसको। और बैंक क्या करता है इस कैश का, बैंक है इस कैश का इस्तेमाल करेगा जो बैंक के पास आमतौर पे होता है। तो वो जो कोई एफडी किसी की मेच्योर होती है, किसी को एफडी तुड़वानी है, तो जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं जहां पे कि पैसा इन्वॉल्व होगा उसको रोटेट करने में, उसको कहीं कहीं फैसिलिटेट करने में इसका यूज होता है। तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक कीप एज ए रिजर्व। रिजर्व कितना किया है और टोटल डिपॉजिट्स कितना है, इस रेशियो को बोलते हैं रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व ज्यादा हुआ इसका मतलब कि कहीं ना कहीं बैंक के लिए स्टेबिलिटी है, नुकसान यह रिटर्न नहीं आ रहा, डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। कई बैंक के जो सीईओ वगैरह हैं उन्होंने ये बोला है कि जो ये हम आगे देखेंगे कैश रिजर्व रेशियो इसको खत्म किया जाए। फिर कीपिंग रिजर्व इज कॉस्टली फॉर बैंक, जैसे मैंने अभी बताया कि ये तो बहुत कॉस्ट पड़ जाएगी अगर इतना पैसा रिजर्व के रूप में रखना पड़ा। अदरवाइज दे कुड लेंड दिस बैलेंस टू इंटरेस्ट अर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। अगर कैश न कर रखना पड़े, रिजर्व न रखना पड़े, तो उनको ज्यादा वो ब्याज पे दे सकते हैं। हाउएवर आरबीआई रिक्वायर्स कमर्शियल बैंक टू कीप रिजर्व इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट बैंक हैव ए सेफ क्यूशन ऑफ एसेट्स टू ड्रॉ व्हेन अकाउंट होल्डर वांट टू बी पेड। आरबीआई ये मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती, सेफ रखना चाहती है कि जब भी किसी को जरूरत पड़े तो बैंक है इस बात के लिए तैयार रहे कि वो दे उनको। आरबीआई यूजेस वेरियस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग फोर्थ ए हेल्दी आरडीआई इन कमर्शियल बैंक। और बेटर आरडीआई रिजर्व से डिपॉजिट रेशियो है, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो वो हेल्दी साइन हो, एक कंफर्टेबल हो, उसके लिए कहीं ना कहीं आरबीआई वेरियस टूल्स यूज करता है, मॉनिटरी टूल्स यूज करता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। और जो सबसे फर्स्ट और महत्वपूर्ण टूल है वो कैश रिजर्व रेशियो है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट किसके लिए? आरडीआई को, आरडीआई रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो कैश रिजर्व रेशियो होता है विद स्पेसिफाइड फ्रैक्शन ऑफ दैट डिपॉजिट्स दैट बैंक्स मस्ट कीप विद आरबीआई। आरबीआई के पास में उस डिपॉजिट जो बैंकों के पास डिपॉजिट होती है उसका कुछ हिस्सा है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट हो उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश को रिजर्व करा दिया गया है रिजर्व बैंक के पास में डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में। देयर इज अनदर टूल स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो विच रिक्वायर द बैंक टू मेंटेन गिवन फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स हो सकता है गवर्नमेंट बॉन्ड हो, इस तरह की चीजों पे उन बैंक को खरीदना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में? स्टेटरी लिक्विड रेशियो। यह हर रेशियो कितना कितना है हम लोग जो करंट का करेंगे उस टाइम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्टैटिक प्रेजेंटेशन है और ये बार बार चेंज हो जाते हैं रेशियो, कैसे रेशियो चेंज हुआ और भी चेंज हो जाते हैं, तो हम लोग उसमें करेंगे रेशियो कितने। फिलहाल इसमें हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसमें कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। और आमतौर पर एसएससी में कॉन्सेप्ट आते हैं करंट से रिलेटेड, जो इस तरह की चीजें बैंकिंग में आती है वो इसमें नहीं आती। तो टोटल डिमांड और टाइम डिपॉजिट होता है, याद रखिए डिमांड और टाइम डिपॉजिट का टोटल है। ये एग्जाम में इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार ढंग से नहीं पढ़ा हो, तो उसका कुछ रेशियो उसमें लिक्विडिटी वाली चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड भी क्यों ना हो, गवर्नमेंट बॉन्ड उसमें मेन होगा। अपार्ट फ्रॉम दीज रेशियो आरबीआई यूजेस ए सर्टेन इंटरेस्ट रेट कॉल्ड बैंक रेट टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ आरडीआई। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो है उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट है वो आरबीआई इस्तेमाल करती है। क्या है ये? कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई एट द बैंक रेट
व्हेन दे रन शॉर्ट ऑफ रिजर्व, अगर रिजर्व की कमी पड़ जाए उनके पास तो वो क्या करेंगे, फिर उधार लेंगे किससे, आरबीआई से, उसको बोलेंगे बैंक रेट। कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेंगे। ए हाई बैंक रेट मेक्स सच बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई कॉस्टली, अगर ज्यादा हाई रेट आ गई है बैंक रेट है, इसका मतलब बैंक को अपना रिजर्व पूरा करने के लिए कोटा अगर उनको लेना पड़े उधार तो महंगी मिलेगी। इनफैक्ट इंक्रीजेस द कॉमर्शियल बैंक टू मेंटेन हेल्दी आरबीआई, लेकिन जरूरी है ये। और बैंक रेट अगर ज्यादा होगी तो कहीं कहीं बैंक है वो इस सिचुएशन में जाएगा कि वो आगे थोड़ी थोड़ी सारी चीजें इंटरेस्ट रेट हाई करेगा। सैंपल बैलेंस शीट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, अगर आपको समझना हो कि कौन सी चीज कैसे ऑपरेट करती है, ये वाली चीज है कि कैसे कॉमर्शियल बैंक है लेंडिंग रेट और बाकी चीजों को मैनेज करते हैं, हम लोग अगली प्रेजेंटेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। मनी और बैंकिंग पार्ट टू है वो आप जरूर देखिए, इस पूरे सिस्टम को स्टेबलाइजेशन आरबीआई कैसे करता है और इस पे पूरी जो सीआरआर कैसे चलती है, पूरी जानकारी लेने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।